फाइनली फायरवुड ने लॉन्च कर दी है अपनी रेसिंग सीरीज की स्मार्ट वॉचेस और यहाँ पे आप लोगों को 3 स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलेंगी जो कि काफी बढ़िया और यूनिक डिजाइन के साथ आती हैं। तो चलते फटाफट इन 3 रेसिंग सीरीज की स्मार्ट वॉचेस को करते हैं रिव्यू। पहले तो अनबॉक्स करके एक्सपीरियंस लेंगे हम, क्योंकि काफी यूनिक और काफी अच्छा बॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है। मतलब काफ़ी महंगी स्मार्ट वॉचेज जो होती हैं या वॉचेज होती हैं उनमें ही आपको ऐसे बॉक्सेस देखने को मिलते हैं जो फायरवॉल्ट ने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स के अंदर और कैसी दिखती है स्मार्ट वॉच, और सारी टेस्टिंग भी हम साथ ही में करेंगे। देखो यार, आउटडोर आया हुआ हूँ तो थोड़ी बहुत नॉइज आएगी, थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना। कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, काफी प्लेन और ब्लैक कलर का यहाँ पे मैट फिनिश में बॉक्स दिया गया है। साइड में कुछ फीचर्स लिखे गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे सबसे पहले आप लोगों को स्मार्ट वॉच और केसिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक टूल किट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि हमेशा आपको फायरवॉल्ट की स्मार्ट वॉचेस के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ एक वायरलेस चार्जिंग केबल प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा एक स्मार्ट वॉच प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा सिलिकॉन स्ट्रैप भी प्रोवाइड किया गया है जो कि काफी सही क्वालिटी का है। अब बात की जाए यहाँ पे स्मार्ट वॉच की, तो अभी आप देख सकते हो क्या ही बढ़िया डिजाइनिंग देखने को मिलती है। मैंने एलिमेंटो स्मार्ट वॉच को अनबॉक्स किया, यहाँ पे आप लोगों को मेटेलिक केस और मेटेलिक स्ट्रैप देखने को मिलेगा। बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की, और यही सबसे ज्यादा मेन हाईलाइट है इन स्मार्ट वॉचेस का, क्योंकि तीनों स्मार्ट वॉचेस के मोर एंड लेस फीचर सेम ही है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा उसमें डीपली नहीं जाऊंगा, बट बिल्ड एंड डिजाइन में आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एलिमेंटो की बात करते हैं जो कि काफ़ी सही प्राइसिंग पे भी देखने को मिल रही है। मतलब इन तीनों में वैसे सबसे महंगी है एलिमेंटो। यहाँ पे आप लोगों को पूरी मेटेलिक केसिंग देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स मोड बटन मिल जाता है, एक वर्किंग क्रॉन प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड में भी काफ़ी सॉलिड क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा 44mm का स्ट्रैप मिल जाता है जो कि रिमूवेबल नहीं है। एक बात मैं पहली बोल देता हूँ, जो केसिंग का है ना वो रिमूवेबल नहीं है, बाकी स्मार्ट वॉच के लिए आप लोगों को एक अलग से सिलिकॉन का स्ट्रैप भी प्रोवाइड किया गया है। बात करते हैं डियाब्लो की, तो यहाँ पे जो केसिंग दी गई है वो आप देख सकते हो पॉलीकार्बोनेट का यूज किया है केसिंग पे, और काफी बढ़िया फिनिशिंग देखने को मिलती है और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लगती है। इसके अलावा 44mm का सिलिकॉन वाला स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी भी सुपर्ब है। इचिंग रैशेस या स्वेट जैसी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि वर्किंग क्रॉन नहीं प्रोवाइड किया है इस केस में, तो यहाँ पे आप लोग जो है क्रॉन के थ्रू वॉच फेसेस वगैरह चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया डियाब्लो का खासकर केसिंग, तो ये डेफिनेटली मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगी। तीसरी स्मार्ट वॉच पे आते हैं जो कि हुराकैन। यहाँ पे आप लोगों को एल्युमिनियम की केसिंग देखने को मिल जाएगी, एक वर्किंग क्रॉन, और यहाँ पे एक स्पोर्ट्स मोड बटन भी प्रोवाइड किया गया है जो कि प्रॉपर तरीके से वर्क भी करते हैं। इसके अलावा बैक साइड में भी आप देख सकते हो एल्युमिनियम केसिंग का यूज़ किया गया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी लगती है। 44mm का अगेन स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। इस स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यार 1.95 इंच की काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। एमोलेड तो नहीं, बट हाँ एमोलेड से कम भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को 320x380 का पिक्सल रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी पिक्सल रेट नहीं होती है ये स्मार्ट वॉच। साथ ही साथ इस स्मार्ट वॉच में एक चीज़ और अच्छी है जो कि इसकी पीक ब्राइटनेस, और ज़रा सी भी आप लोगों को कमी महसूस नहीं होगी। अभी आउटडोर में हूँ मैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी कर ली है इस स्मार्ट वॉच के थ्रू, बट यहाँ पे विजिबिलिटी को लेकर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है इस स्मार्ट वॉच ने। इसके अलावा आप लोग कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो हमेशा की तरह, और क्वालिटी अभी आप लोगों के सामने है बहुत ही जबरदस्त, और कलर एक्यूरेसी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। बात करते हैं कि हाईलाइट्स की, तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। हेड ड्रैगर्स में हार्ट रेट, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे तगड़े फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा थर्मामीटर, फीमेल हेड ट्रैकर, साथ ही साथ BP मॉनिटर और ECG जैसे बेहतरीन फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। तो देख रहे हो यार, भर भर के जितने भी हेड ट्रैकर्स होते हैं सब दिए गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को टाइम पास के लिए कुछ गेम्स दिए गए हैं, मोशन सेंसर गेमिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेटर जैसे यूजफुल फीचर्स भी मिलेंगे। यही इसके फीचर्स खत्म नहीं होते यार, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, फाइंड माय फोन, डू नॉट डिस्टर्ब और टॉर्च जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे आप लोगों को मेन्यू स्टाइल्स मिल जाते हैं और स्क्रीन लॉक का भी सपोर्ट मिल जाना है। बात की जाए वाटर रेजिस्टेंट की, तो IP67 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है, 100+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं जो कि सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, बहुत तगड़ी एक्यूरेसी नहीं कहूंगा।
बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की, तो इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैंने इसका हार्ट रेट टेस्ट किया। यहाँ पे एट दी एंड जो रिजल्ट निकल कर आया है वो ठीक ठाक है, कभी कभी बेकार करती है, कभी कभी सही कर देती है। वहीं बात की जाए स्पीड 2 की, तो यहाँ पे भी सही काम कर रही है, मतलब 70-80% की एक्यूरेसी ही एक्सपेक्ट करना इससे। बाकी यार मैं यही कहूँगा, कोई सी भी स्मार्ट वॉच इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है, तो सीरियस सिचुएशन में मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज़ किया करो। कॉलिंग क्वालिटी अभी मैं आप लोगों के सामने इसकी रख देता हूँ, आप लोग खुद चेकआउट कर लो। हेलो हेलो, हाँ क्या हाल है भाई? बढ़िया, तू बता। अरे आज बहुत दिनों बाद आउटडोर आया था यार कॉलिंग टेस्ट करने, आवाज आ रही है क्या? सही आवाज तो बहुत सही आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं साहब। ऐसे इधर उधर की आवाज, कुछ बैकग्राउंड नॉइज वगैरह? नहीं कुछ भी नहीं आ रही मेरे को, तो सॉलिड आवाज आ रही है ना? एकदम सही आ रही। चल ठीक है, यही पूछ रहा था। होप करता हूँ यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी का आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी है आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्वालिटी। बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की कि आप लोगों को ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को प्राइसिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रेसिंग सीरीज यार बेसिकली 6000 से स्टार्ट है और 8000 तक जाती है। जो डियाब्लो है वो आप लोगों को 6000 पे मिल जाएगी, यूराकैन आप लोगों को मिलेगी 7000 में, और यहाँ पे जो एलिमेंटो है ये आप लोगों को 8000 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ पे जो प्राइसिंग है बेसिकली वो केसिंग की ही है, काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन और यूनिक केसिंग यहाँ पे कहूँगा मैं, जो कि पहनने के बाद काफ़ी लोग आपसे पूछने वाले हैं भाई आखिर कौन सी स्मार्ट वॉच हाथ में डाल रखी है। इसके अलावा सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने इसलिए भी रखी है ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन ले पाओ। मेरे हिसाब से अगर आप लोग फैशन ओरिएंटेड स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो तो रेसिंग सीरीज से बढ़िया ऑप्शन नहीं है इस टाइम मार्केट में, डेफिनेटली जा सकते हो, बट एक्यूरेसी के लिए मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यार ये स्मार्ट वॉच जितनी भी आती है ना इस बजट में वो एक्यूरेट इतनी ज्यादा नहीं होती है, लोग इसको सीरियस ले लेते हैं, बट मत लिया करो यार, मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज किया करो। अगर आप लोग इनमें से किसी भी स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, आप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।